दे रहे हैं ना, यूनिटरी मेथड दे रहे हैं। सो यस स्टूडेंट्स, Am I audible now? Just raise your hand. Am I audible? Okay, that's good. That's good. Good student. That's okay. So now let's start. Yes. Now quickly start with today's session, students. Okay. So now let's begin. So students, firstly, tell me. So student who are sitting here are of same height. Yes, you all have same height. No. Okay. If I ask someone from your class who is tallest and the one who is shortest, so do you think they both have same height or different? Different. Yes, they have different height. Now I want to measure the length of your bench, first bench, yellow t-shirt boy, theek hai? So if I ask you to measure the height, or we can say length of your desk, and I am not giving you any measuring scale or tape, anything, okay? And I ask you to measure the length of your bench, how would you do that? You have nothing to measure. Okay, you have nothing to measure. I'm not providing you any tool. So how would you do that? Yes, कैसे करेंगे बेटा? अब मैंने किसी को भी कोई टूल नहीं दिया, ना स्केल दिया ना कुछ दिया। मैंने येलो टी शर्ट, अगर मैं नाम लेती हूँ, ओके लेट्स टेक अ ना नेम फ्रॉम, अगर मैं सिक्स से कृति को कहती हूँ, कृति स्टैंड अप, कृति इज देयर, सिक्स ए कृति, नहीं ओके ओके मैम, सो अरमान कोहली इज देयर, अरमान कोहली, ओके ओके मैम, सो सिमरन प्रीत इज देयर, मैम मैम ये मैम कौन सी है? यू ओके गुड, नॉट ओके मैम, सो आई डू वन थिंग, फ्रॉम सेकंड बेंच कॉर्नर बॉय इन रेड टी शर्ट, बेटा यू स्टैंड अप, सेकंड बेंच कॉर्नर बॉय इन रेड टी शर्ट, बेटा यू अपनी ही जगह वहीं खड़े रहना, वहीं स्टैंड देयर ओनली, ओके। अब सेम सेम बेंच कॉर्नर गर्ल, सेम बेंच ब्लू टी शर्ट गर्ल, यू स्टैंड अप, सेम सेकेंड बेंच, यस, नाउ योर बोथ हाइट्स आर डिफरेंट, यस योर बोथ हाइट्स आर डिफरेंट, दोनों की हाइट डिफरेंट है। अब मैं आपको कहूं कि आपने अपना ये जो पूरा डेस्क है उसको मेजर करना है, कैसे करोगे अगर मैं स्केल नहीं दे रही, कैसे करोगे? कैन वी यूज आर हैंड्स? यस, कैन वी यूज दैट? यस, हम ऐसे कर सकते हैं, देन मूव लाइक दिस, यस और नो? यस, वी कैन डू दैट, ओके। सेम हियर, टू गर्ल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, इफ आई आस्क देम टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बेंच, ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेजरिंग विद देयर हैंड, और दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड स्पैन मेथड। अब बेटा मुझे बताओ, क्या जो आपके हाथ हैं उसका जो साइज है आप दोनों का सेम है? डू यू थिंक सो? इज इट सेम और डिफरेंट? इट्स डिफरेंट है ना, दोनों की हाइट डिफरेंट है तो हाथ का साइज भी डिफरेंट होगा। अगर सपोज कर लो रेड टी शर्ट बॉय जो है उसके हाथ 10 टाइम्स जो है, वो कहता है कि मेरे जो 10 हैंड स्पैन जो है उसके बराबर ये बेंच है, एंड ब्लू टी शर्ट इज सेइंग कि इट्स 9 हैंड स्पैन ऑफ माई हैंड, तो ये तो डिफरेंट हो गया, एक कह रहा है 10, एक कह रहा है 9, तो हम तो जो नया हमने बेंच लेके आना है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 9 वाला लेके आए या 10 वाला लेके आए, क्योंकि बॉय इज ऑल्सो राइट, गर्ल इज ऑल्सो राइट,
नॉट अ राइट, गॉट इट? सो दिस इज अ हैंड स्पैन, सिट डाउन बेटा, दिस इज हैंड स्पैन मेथड, सिट डाउन बोथ, यस। सो हैंड स्पैन में क्या होता है बेटा, फ्रॉम थंब टू योर लिटिल फिंगर जो हमारा लेंथ है वी मेजर इट, ओके? तो हियर यू कैन सी वी विल मेजर लाइक दिस, ओके? जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचेंगे वी कीप ऑन डूइंग दिस, सो दिस इज अ हैंड स्पैन मेथड, ठीक है? तो दिस इज हैंड स्पैन। अब इट टेक्स टाइम, हम एक एक हाथ ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इट टेक्स टाइम। नाउ वी आर इन हरी, व्हाट एल्स वी कैन डू? अब फर्स्ट बेंच में सेकेंड बॉय जो है येलो टी शर्ट के साथ वो खड़े हो जाए, यस। एंड वही उसी बेंच में फोर्थ बॉय पर्पल टी शर्ट, आप खड़े हो जाओ। नो नो, नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू यू बेटा, यू सिट। हाँ, अब आप दोनों की हाइट सेम है? नो, इट्स स्टिल डिफरेंट। अब आप हाथ यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो जल्दी जल्दी हम कुछ करें, क्या करें? अब आप अपनी एल्बो से लेके हैंड तक का जो मेजर है उससे आप फटाफट करना चाहते हो, इससे हम ऐसे ऐसे करेंगे और जल्दी आ जाएगा। जहां आपको हैंड 10 टाइम्स अपने लगाने पड़ रहे थे, यहाँ पर यू जस्ट नीड टू डू ओनली 2 और 3 टाइम्स, ठीक है? बट डू यू थिंक योर एल्बो टू हैंड हाइट और लेंथ इज सेम फॉर बोथ ऑफ यू? इज इट सेम? क्या ये आप सभी की, अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं, आप सबकी हाइट सेम होगी एल्बो टू हैंड? डिफरेंट होगी ना, क्योंकि यू ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट्स डिफरेंट है। अगर मुझे एक एक बच्चा कहता है, सपोज कर लो अनमोल कहता है कि मेरी हाइट, मेरे जो है ये हैंड टू जो एल्बो है वो 2 है, ठीक है? मेरे 2 मेजर कर रहा है। एंड नाउ सपोज कर लो रिया इज सेइंग इट्स 3, तो कौन सही है? बोथ आर राइट, बट जो सामने वाला पर्सन है दे गेट कंफ्यूज, है ना? तो यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड, ये जो एल्बो से लेके हम जो हैंड तक की हाइट है, सिट डाउन बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्यूबिट। क्या कहते हैं? देखो अब इसमें हमें सिर्फ 4 टाइम्स या 3 टाइम्स ही करना पड़ रहा है, सो इट इज कॉल्ड क्यूबिट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट क्यूबिट। इट्स लाइक दिस, CUBIT। सो यहां पर आ जाता है हमारा, कहां से कहां तक कर रहे हैं बेटा, ये जो हमारा है दिस इज क्यूबिट, इट्स अ क्यूबिट। दिखाओ मुझे अपना क्यूबिट, एवरीवन शो मी क्यूबिट, यस दैट्स गुड, दिस इज योर क्यूबिट, ओके? सो ये आपका सबका क्यूबिट है, दैट्स फाइन, ओके? सो नाउ नेक्स्ट मूव। अब ऐसे ही और भी मेथड्स हैं दैट पीपल यू नो यूज टू डू, अब हम इतना नहीं करते बिकॉज नाउ वी हैव मेजरिंग स्केल्स, मेनी थिंग्स दैट वी विल लर्न, लेकिन अर्लियर टाइम्स, ओके, जब हम पुराने जमाने की बात के, तो लोगों के पास वो मेथड्स नहीं थे जो हमारे पास अभी है, ओके? सो एक तो उनके पास हैंड स्पैन मेथड था, दूसरा क्यूबिट था, उसके अलावा जो उनके पास मेथड थे बेटा वो था आर्म स्पैन। ये आपने शायद से कभी कपड़े वाली दुकान में भी गए होंगे, वहां भी देखा होगा, ऐसे कपड़ा लेते हैं और मेजर करते हैं, यस और नो? दे मेजर इट लाइक दिस, यस और नो? व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड आर्म स्पैन, इट इज कॉल्ड आर्म स्पैन, पूरा आर्म जो है स्पैन हो रहा है, क्या हो रहा है? स्पैन हो रहा है, इट इज कॉल्ड आर्म स्पैन, शो मी योर आर्म स्पैन, यस शो मी फटाफट आर्म स्पैन, यस दिस इज योर आर्म स्पैन, दैट्स गुड, से यस, लोअर योर हैंड्स नाउ, ओके? अब आ जाता है पेस, पेस कैसे, कितने कदम आपने चले, ये दो मेरे फीट है, इमेजिन कर लो, एक दो, एक कितने, आपको एक कमरे को अगर मेजर करना, आपका जो क्लासरूम है तो उसको आप अब क्यूबिट से तो नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे करते तो नहीं जाओगे, सो कितने आपके स्टेप्स जा रहे हैं, दैट इज पेस। और दूसरा क्या है, पैर से,
ये मेरा एक फीट है, इसी के आगे मैं दूसरा फीट ऐसे एंड टू एंड लगाते चलूं तो कितने फीट कवर हो रहे हैं? सो दैट इज फीट। ओके, वी कैन से फुट स्पैन। क्लियर है? पेस मतलब कितना आपने स्टेप्स लिए, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टेकन। फुट स्पैन एक फुट ऐसे ऐसे साथ में जोड़ के कितने फुट आपके उसमें आए हैं। गॉट इट बेटा? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अब नाउ थिंक अबाउट दिस। ओके एवरीवन, थिंक अबाउट दिस। अब ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, इट्स अबाउट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ओनली। यस, ये हमसे रिलेटेड है। अब क्या हम सबकी हाइट और साइज इज सेम? अगर मैं आपकी क्लास में जो सबसे टॉलेस्ट है उसको खड़ा कर दूं, ठीक है? हु इज टॉलेस्ट इन योर क्लास? स्टैंड अप। सबसे टॉल कौन है? खड़े हो जाओ। हु इज द टॉलेस्ट? यस बेटा। अब ये आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम बेटा? काफी स्पीच काफी तनवीर मैम। ओके मैम, थैंक यू। तनवीर। सो तनवीर हाइट इज लाइक यू ऑल नो ही इज अ टॉलेस्ट बॉय, है ना? अब ये कहेंगे कि मेरे तो इतने फुट लगे हैं, पूरी क्लास जो है वो अराउंड 100 फुट की है, ठीक है? अब जो है मैं किसी और को उठा दूं, सपोज कर लो जो थोड़े से इनसे छोटे हैं हाइट में, उनको बोलूं, वो कहे नहीं इट्स 120 फुट। नाउ डू यू थिंक बोथ आर राइट और नॉट? क्या वो दोनों सही है? यस, दे बोथ आर राइट, है ना? क्योंकि उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो उनके जितने के पैर का साइज उस हिसाब से किया है। लेकिन अगर मुझे इस पूरे रूम के लिए डेस्क लेके आने हैं, कैसे लेके आऊंगी? एक कह रहा है 120, एक कह रहा है 100। आई विल गेट कंफ्यूज। मुझे तो फिर एक प्रॉपर मेथड चाहिए ना। मैं आगे जो है कारपेंटर को भी सही रेट सही साइज बताऊं, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, बनके कुछ और ही आ जाएगा। तो व्हाट डू वी नीड टू डू हियर? क्या चाहिए होगा हमें? एक स्टैंडर्ड मेथड। यस, और वी कैन से स्टैंडर्ड यूनिट्स। गॉट इट? सो हियर फर्स्टली सी बेटा, दीज आर जो भी हमने पढ़े जो हमसे बने हुए हैं, जैसे आर्म्स स्पैन, क्यूबिट, हैंड स्पैन, दीज आर कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पुराने मेथड्स है, ठीक है? अब हमें ये मेथड्स जो है इतने सही नहीं लगते, क्योंकि अगर हम टॉलेस्ट बॉय और जो शॉर्टेस्ट बॉय है उनकी बात करें, उनके तो साइज में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर साइज। हाउ कैन वी यू नो रिलाई ऑन देयर मेजरमेंट? इफ ही सेज इट्स 100 फुट स्पैन एंड ही इज सेइंग इट्स ओनली 80 फुट स्पैन, Who is right? Both are right. But we can't give this reading to carpenter or anyone, है ना? So here comes our standard, okay? Standard units of measurement. So here are the question. Why do we need standard units of measurement? हमें क्यों चाहिए standard unit of measurement? Because there was error in conventional method. It is not, you know, we can say universal or same for everyone. मेरे लिए वो 100 हैंड स्पैन है, लेकिन शायद से आपके लिए वो 150 हैंड स्पैन है। So it's not equal for both of us. Yes or no? Yes or no? अच्छा, आप सबके पास बेटा असाइनमेंट है ना? आपका असाइनमेंट ऐसे रखो अपने डेस्क पे और उसको हैंड स्पैन करो, कितने हैंड स्पैन है? लेट्स सी, मेरा आ रहा है इट्स अराउंड 1.5 हैंड स्पैन। आप सबका कितना हैंड स्पैन आ रहा है? लेंथ की बात कर रही, नॉट अबाउट द विड्थ, लेंथ। माइन इज ऑलमोस्ट हाफ, 1.5। आई थिंक योर इज अराउंड 2। आप सबका 2 के अराउंड आ रहा होगा। यस और नो? यस, है ना? सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर हमें डिफरेंस पता चल गया कि जो मुझे जो है 1.5 नजर आ रहा है, वो आपको 2 नजर आ रहा है, जबकि पेस सेम है, सेम, ठीक है? व्हाई कांट वी यूज कन्वेंशनल मेथड्स फॉर मेजर?
कंपेयरिंग पर्सन टू पर्सन, विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब कौन सी यूनिट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं जो आपके और मेरे लिए सेम रहेंगी? सो लेट्स सी हियर बेटा। फर्स्ट इज, अब हमने जो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, पहले एक और उसकी बुराई देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर कोई छोटा सा दाना है, आपके पास चावल का एक दाना है, क्या वो आप हैंड स्पैन से या क्यूबिट से मेजर कर सकते हो? कैन बी मेजर थ्रू दैट दीज मेथड्स? हम तो नहीं मेजर कर सकते, बट वी नीड टू मेजर द साइज ऑफ द ग्रेन। सो हियर कम्स योर मेजरिंग स्केल, जो आपके पास मेजरिंग स्केल है ना, सो यू यू कैन यूज दैट। सो हियर यू कैन सी, अगर हम ये जो है, अब आपके पास सबके पास स्केल है, सब निकालो अपना स्केल, जरा टेक आउट योर स्केल। यू ऑल हैव ना, सो दिस इज द स्केल यू हैव। जस्ट गिव मी अ मिनट। कैन यू सी दिस? ओके, सो आई ड्रॉ इट हियर फॉर यू। ओके, दिस इज योर स्केल। ओके, लाइक दिस। So here, beta, you can see some lines are here like this, and some are short. Yes, it's like this, है ना? आपके स्केल ऐसे ही है ना बेटा? अब यहां पर स्टार्ट होता है आपका जीरो, देन यहां पर आता है वन, देन टू, देन थ्री, लाइक दिस। यस, इट्स लाइक दिस। अब बेटा ये जो है, दिस इज योर सेंटीमीटर, इवन इट इज मेंशन इन योर स्केल ऑल्सो, इट्स अ सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 10 लाइंस है, 1 सेंटीमीटर से हम जब जंप करते हैं तो उसमें कितनी लाइंस है? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 10 लाइंस। Yes? कितनी लाइंस है? 10 लाइंस। अब बेटा ये जो लाइंस है ना, दैट यू कैन सी हियर, दीज आर कॉल्ड मिलीमीटर। व्हाट दीज आर कॉल्ड? मिलीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर। यस, अगर हमारे पास एक हाथ है, कितनी फिंगर्स के बराबर है? 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स। यस, हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द मिलीमीटर, सो लेट्स गो बैक। अब मुझे ये ग्रेन जो है, इसका जो है, लेट मी शो यू मोर क्लियरली, जस्ट लेट मी डू द सेटिंग। Now is it more clear to you? Yes. Now it's more clear to you, hana? Now this grain here, I told you about the millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. जो भी एक line नजर आ रही है, जो 10 लाइनें नजर आ रही है 1 और 0 के बीच, that is millimeter. So now if we place this grain here, so how many millimeter is it? कितना मिलीमीटर हुआ बेटा ये? इट इज हियर, यू कैन सी कितना हुआ, यहां तक आ रहा है ये। सो इट्स ऑन 6, सो वी कैन से इधर, और वी जस्ट गो टू 6 मिलीमीटर। इट्स 6 मिलीमीटर। सो वी गेट द लेंथ ऑफ दिस ग्रेन, यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अगर बेटा चलो छोड़ो, अब आप मुझे बताओ, ओके,
ये तो हो गया ग्रेन का, ठीक है। अब मैं जो हूं यहां पर इसको हटाती हूँ, ओके मैंने ग्रेन को हटा दिया। अब मैं यहां पर कुछ और रख रही हूं, यू हैव टू टेल मी द लेंथ ऑफ दैट, ओके। What is the length of this now? Yes. कितना है बेटा? 8. So it's 8. Yes, you are right. It's 8 millimeter. That's good. Got it. So that's really good, बेटा. So अब ये तो था छोटे के लिए. अब अगर हमारे पास बुक है, आप सबके पास बुक है, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं? सबके पास मेजरिंग स्केल है, जरा अपने जो जो शीट है या बुक है उसको मेजर करो, लेंथ बताओ कितनी है, सब देखो कितनी है। मेरे पास जो बुक है मैं उसको देखती हूँ। सो यू कैन सी मेरे पास ये वाली बुक, आई हैव दिस बुक, नाउ आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बुक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। सी, अब मैंने ऐसे रखी अपनी बुक, सो इट्स लेंथ इज दिस मच। मेरी जो बुक है उसकी लेंथ आई, सपोज कर लो, आई एम नॉट काउंटिंग दिस, आई एम काउंटिंग सीधा यहाँ पर, सो इट्स 5 सेंटीमीटर, इट्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरी बुक की लेंथ आई 5 सेंटीमीटर, गॉट इट। बुक्स लेंथ ना, सो दैट्स फाइन, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव बेटा। अब हमने कपड़ा नापना है। यू मस्ट हैव गोन टू एनी यू नो क्लोथ शॉप विद योर पेरेंट्स, है ना, कभी देखा होगा कपड़ा कैसे नापते हैं जो दर्जी है, उनके पास थोड़ा बड़ा स्केल होता है, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। इवन दे हैव मेजरिंग टेप आल्सो। सो व्हाट दे डू, वो जो है ऐसे ऐसे नापते चलते हैं। एंड डू यू थिंक दे मेजर इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर? क्या हम इतने बड़े कपड़े को, या फिर हमने वॉल है आपकी क्लासरूम है, अगर मैं उसकी वॉल की लेंथ नापने को कहूँ तो आप स्केल ले लेके नापोगे? यस। क्या आप ये जो स्केल है आपके पास इससे नापोगे? डू यू यूज दिस स्केल? और यू मेजर इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर? यस यस बेटा। नहीं ना, क्यों नहीं नापोगे उसमें? क्योंकि इट विल टेक टाइम, है ना, इट विल टेक टाइम एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो हियर फॉर मेजरिंग ऑफ, ओके, वी कैन से अगर हमारे पास बड़ी चीज है लाइक वॉल, लाइक क्लोज, सो हियर वी यूज मीटर। सबसे पहले हमने छोटी, सबसे छोटी चीज के लिए मिलीमीटर, थोड़ा सा बड़ा हुआ सेंटीमीटर, उससे बड़ा हुआ उसके लिए वी यूज मीटर। Yes? अब मैं आपको बोलूं, हमने सड़क नापनी है, आपके स्कूल से घर तक का कितना डिस्टेंस है, हाउ वुड यू मेजर इट? डू यू यूज मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और अदर यूनिट? यस, यू विल यूज किलोमीटर, है ना। हम कहते हैं ना इतना किलोमीटर दूर है, से भी बड़ा आ जाता है किलोमीटर। और आपने ये माइलस्टोन देखा होगा ऐसा, जिसमें ये यूनिट्स लिखी होती है। सो दीज आर बेसिकली टेलिंग अस द किलोमीटर, हाउ फार दैट पॉइंट और दैट एरिया, दैट डेस्टिनेशन इज। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज रोड इज मेजर्ड इन किलोमीटर, नॉट इन मीटर। यू कांट मेजर लाइक दिस, कीप ऑन मेजर लाइक दिस, है ना, नॉट इन सेंटीमीटर। ऑफ स्केल ले लेके तो नहीं जाओगे ना कि चलो नापने बैठते हैं, यू विल गेट टायर्ड, है ना। सो दैट्स व्हाई हियर अब ज्यादा डिस्टेंस है, फॉर दैट वी यूज किलोमीटर, गॉट इट। चलो अब इसको हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आप सबके पास इरेजर है? यस, यू ऑल हैव इरेजर? निकालना किसी ने नहीं, अभी किसी ने नहीं निकालना, मैंने सिंपल पूछना है, डोंट टेक आउट, ठीक है।
टू मेजर द विड्थ ऑफ इरेजर व्हाट यूनिट यू आर गोइंग टू यूज, कौन सी यूनिट यूज करोगे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर? इरेजर के लिए कौन सी यूनिट यूज करोगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर? मिलीमीटर, वी आर गोइंग टू यूज मिलीमीटर। नाउ यू ऑल हैव पेन, सबके पास पेन पड़ा है। टू मेजर द लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ योर पेन विच यूनिट यू आर गोइंग टू यूज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर? सेंटीमीटर। ओके, अब आप सब जो डेस्क पे बैठे हो, इफ आई आस्क यू मेजर द लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ योर डेस्क, सो वुड यू यूज सेंटीमीटर, मीटर, मीटर और किलोमीटर? यस, जो आप मीटर। यस, अब मैं आपको बोलूं कि आपने अपने जो स्कूल से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो बताना है। वुड यू टेल मी इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर? यस, दैट्स, क्लैप फॉर योर सेल्फ, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड, यू आर सच अ वंडरफुल स्टूडेंट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो नाउ लेट्स बेटा लेट्स मूव। सो वी लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ यूनिट, ओके, नॉन स्टैंडर्ड, दोज आर कन्वेंशनल दैट वी लर्न और यू नो स्टार्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन, एंड दीज फोर दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स, दीज आर सेम फॉर यू एंड मी। अगर आप वहां पर नापोगे जो आपके पास वर्कशीट है पेपर और जो मेरे पास है, उसकी लेंथ और विड्थ सेम आएगी, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स। ओके, गॉट इट? सो हेयर, अगर हम हाथ से हमने जो पहले नापा था, ओके, सबने वर्कशीट अपनी हाथ से नापी थी ना, तो कितनी आई थी मेरी, 1.5 आई थी, आपकी 2 हैंड स्पैन आई थी। इफ वी नाउ मेजर विद द स्केल, सो इट वुड बी सेम ओनली, ठीक है? सो दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी। इवन आपकी पूरी क्लास के बच्चे, आप सब नापोगे ना, विड्थ ऑफ योर असाइनमेंट इज सेम फॉर एवरीवन, ओके, बाय यूजिंग स्केल। नाउ लेट्स मूव। अब ये हमारे पास क्या है, स्केल और मेजरिंग स्केल। मैंने यहाँ पर पेंसिल रख दी है, सब मुझे बताओ जो पेंसिल है उसकी क्या लेंथ है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पेंसिल? यस यस, इट्स 11 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, सिर्फ एंड देखा या स्टार्टिंग भी देखी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 11। सो नाउ नोट डाउन, व्हेन एवर यू नीड टू मेजर द रीडिंग, यू हैव टू डू व्हाट, जो भी फाइनल रीडिंग है, ठीक है, द फाइनल रीडिंग दैट यू हैव, उससे आपने बेटा इनिशियल जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हियर योर मैथ्स कम, ओके, नाउ हियर यू हैव टू यूज योर मैथ्स आल्सो। सो वैल्यू कैसे पता लगती है, अब देखो फाइनल रीडिंग क्या थी, 11, इनिशियल क्या थी, 0, सो वी गेट 11 सेंटीमीटर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई वी आर डूइंग दिस। समटाइम्स योर मेजरिंग स्केल, जो आपका स्केल है, केवल टूट जाता है, यस और नो, केवल टूट जाता है ना, और आपको कुछ मेजर करना पड़ जाए, सो व्हाट वुड यू डू दैट टाइम, क्या करोगे उस टाइम? ये तो नहीं सोचोगे मेरे पास तो स्केल पूरा है नहीं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अ क्विक ट्रिक। सो लेट्स सी हियर बेटा, एवरीवन फोकस हियर, ये मेरे पास एक स्केल है, टूट गया, ठीक है, इट्स ब्रोकन नाउ। नाउ हाउ कैन आई मेजर द लेंथ और हाइट ऑफ दिस पेंसिल? नाउ कैसे मेजर करूंगी, व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी हमने मेजर करना हो तो हमें क्या देखना है, व्हाट वी नीड टू डू, फाइनल रीडिंग, आई एम राइटिंग इट एज एफ आर माइनस इनिशियल रीडिंग दैट इज आई आर। सो फाइनल रीडिंग ऑफ दिस इज व्हाट, व्हाट इज द, 11, यस इट्स 11, एंड व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग, व्हाट इज द, सी नाउ सबट्रैक्ट दिस
व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? एट. सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. गॉट इट? सो लेट्स डू क्विकली दिस. ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा करते हैं इजली. ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू. अब मैं यहां पर आपको और शो करती हूँ बेटा, सो इट बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ दिस इज आई हैव अ स्केल. ठीक है, लुक इट केयरफुली. ओके, नाउ लुक एट हियर केयरफुली. नाउ आई हैव अ बुक. ठीक है, स्मॉल बुक. नाउ आई एम प्लेसिंग इट. Like this. Now tell me the length of this book now. What you have to do, write down in your copy beta notebook. What is the final reading of this? सबने ऐसे लिखना है. And initial reading. Final reading के नीचे final reading बताओ. What is the final reading? Yes, what is the final reading of this book? क्या है बेटा फाइनल रीडिंग? अच्छा पहले बता भी दो, देन नोट डाउन ना. व्हाट इज द फाइनल रीडिंग ऑफ दिस? इट्स 4.1. यस, इट्स 4.1. एंड व्हाट इज द इनिशियल रीडिंग? Yes, it's 1.5. So what do you think? What is the value now? Yes, it's 2. Yes, it's 2.6 centimeter. Yes or no? It's 2.6 centimeter. Everyone, it is clear? Everyone, is it clear? Raise your hand if is it clear. Raise your hands. Okay, सबको clear. That's good. That's good. So let's see, move ahead. आगे चले. Okay. सो इट इज अबाउट दिस. ठीक है, ये हमें पता चल गया इसकी हाइट कितनी है. इवन इट्स इन योर असाइनमेंट ऑल्सो, सो यू कैन डू. सो हेयर वी गॉट द आंसर, दैट वॉज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमने भी कर लिया बेटा. नाउ लेट्स मूव. नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट शेप. दिस शेप इज नॉट सेम, नॉट वी कैन से स्मूथ रेगुलर शेप. इट्स इनरेगुलर शेप. नाउ वी कांट यूज मेजरिंग स्केल हेयर. कैन वी यूज मेजरिंग स्केल हेयर? Can we use? No. And first
थिंग आर वी मेजरिंग इट्स एरिया और पेरीमीटर? वी आर मेजरिंग इट्स एरिया और पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री, एरिया मीन्स इनसाइड, बट वी आर फोकसिंग ऑन आउटर एरिया, है ना, आउटर बाउंड्री बेसिकली. सो स्टूडेंट इन दिस केस व्हाट वी कैन यूज, तो लेट मी टेल यू और लेट मी शो यू. ओके, तो मैं आपको यहां पर बेटा बताती हूँ. फोकस हियर, कैन यू सी दिस थ्रेड हियर? ओके, नाउ दिस शेप दैट यू कैन सी हियर, इट्स इररेगुलर, है ना, इररेगुलर है. अब हियर वी कैन यूज थ्रेड, हमने ऐसे धागा यूज करना है. आप सबके पास है धागा अभी? डू यू हैव थ्रेड? सभी लेके आए हो? यस. अब आपके पास बेटा पेंसिल बॉक्स सभी के पास है? यस, यू ऑल हैव पेंसिल बॉक्स. यस, यू ऑल हैव पेंसिल बॉक्स ना. यस, यू ऑल हैव पेंसिल बॉक्स विद यू, है ना. अपना पेंसिल बॉक्स ऐसे ही निकालो जैसे मैंने ये निकाला हुआ है. टेक इट लॉक, टेक इट लाइक दिस, टेक इट आउट. ठीक है, नाउ फ्रॉम वन एंड, ठीक है, थ्रेड का एक एंड लेना है, किसी भी साइड एक जगह ऐसे रख दो. ओके, आई एम जूमिंग इट सो इट बिकम इजी फॉर यू. नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली. ठीक है, देखो बेटा. यस मैम, सॉरी मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली. यस मैम, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कंप्लीटली, देर इज डिस्टर्बेंस एक्चुअली बिकॉज बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, इट्स नॉट ऑडिबल कंप्लीटली. सो स्टूडेंट इफ यू हैव, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, इफ यू डोंट हैव थ्रेड और एनीथिंग यू कैन फोकस हेयर एटलीस्ट. ठीक है, फोकस हेयर. सो एनी इरेगुलर शेप, ओके, सी हेयर. फॉर एनी इरेगुलर शेप आपके पास जो थ्रेड है उसको एक जगह किसी भी साइड, ठीक है, आउटर बाउंड्री पे कीप इट लाइक दिस और यहाँ पर इसको प्रेस कर लो. ओके, प्रेस इट लाइक दिस. अब इसको जो शेप है उसके साथ मूव करते चलो, लाइक दिस, कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ऐसे इसको मूव करो ताकि ये पूरा इस बाउंड्री को कवर कर ले. ठीक है, नाउ इट इज कवर्ड लाइक दिस. यहाँ पर हमारा ये दोनों जो है आके मिलने चाहिए, बोथ हैंड्स. ठीक है, सो हियर यू कैन सी. ओके, यहां से मैंने स्टार्ट किया था एंड नाउ इट इज हियर. ओके, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस. सो हियर वी गेट द आंसर. ये देखो, ये जो मेरे पास आया बेटा, ये मैंने दोनों एंड पकड़ लिए. अब जो ये लास्ट वाला एंड था, ठीक है, ये वाला, सी यहां से हमने स्टार्ट किया था, दिस पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी मूव्ड टिल दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं, व्हाट वी नीड टू डू, हमारे पास अब ये स्ट्रेट आ गया थ्रेड, अब हमारे पास स्केल भी है, वी हैव स्केल आल्सो. नाउ वी विल गोइंग टू कीप इट लाइक दिस अगेंस्ट द मेजरिंग स्केल. अब हमने स्केल के सामने यहाँ पर ऐसे रख देना है. नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इररेगुलर शेप. ठीक है, अब हमें इस इररेगुलर शेप की वैल्यू पता लग जाएगी. अब जैसे मेरे स्केल पे आ रहा है इट्स 11 सेंटीमीटर, इट्स शोइंग इट्स 11 सेंटीमीटर. सेम यू कैन डू दैट. ठीक है, अब मैं कोई और शेप लेती हूँ सो इट बिकम मोर इजी फॉर यू टू फाइंड आउट. नाउ दिस इज द माउस आई हैव. ठीक है, इट्स ऑल्सो नॉट हैविंग यू नो रेगुलर शेप. सो अगेन आई एम कीपिंग इट लाइक दिस फ्रॉम वन एंड, और जब तक मैं दूसरे एंड से इसको मिलाना दूं
देखो यहां पर मिला, कैन यू सी, ये देखो नाउ बोथ आर ज्वाइंट हेयर। अब जहां पर ये ज्वाइन हो गए वहां से मैंने ये वाला थ्रेड हटा लिया, ठीक है, और इसको अब ये एंडिंग पॉइंट था, दिस वाज द फाइनल रीडिंग एंड हियर इज द इनिशियल रीडिंग। नाउ आई विल कीप इट, ओके, नाउ आई विल कीप इट अगेंस्ट द दिस मेजरिंग स्केल। नाउ द वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, इट्स 10 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ इररेगुलर सरफेस। इज इट क्लियर बेटा? यस, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ इट, यस दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो योर मैथ क्लास इज नाउ गोइंग टू रिज्यूम, ओके, बाय स्टूडेंट्स। बच्चे जब पार्टी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आजकल क्या मंगाते हैं खाने के लिए? कोल्ड ड्रिंक्स। और बताइए जी। हाँ फ्रंट बेंच वाले बताइए, जरा स्माइल कर रहे हैं, बता नहीं रहा। हाँ बेटा, ब्लू शर्ट। यस, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। पिज्जा। वेरी गुड। और पिज्जा के साथ क्या खाएंगे? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे पिज्जा, पिज्जा के साथ। चलो हम पिज्जा से स्टार्ट करते हैं फिर आज, ठीक है? फ्रैक्शन एंड पिज्जा, राइट बच्चे? लो जी, आ गया पिज्जा। देखिए, पिज्जा आ गया। लो, पिज्जा के साथ और क्या आएंगे? पिज्जा के साथ और क्या आएगा? कुछ और भी चाहिए ना, मीठे के लिए भी चाहिए, तो कुकीज विल बी देयर। चलो सुनाओ, पिज्जा। अब आप देख रहे हो बच्चे, ये कौन सा वाला पिज्जा है? 12 इंचेस पिज्जा। हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर? हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर? 8, राइट? मैं राइट बच्चों, सो पिज्जा, सो नाउ हाउ मेनी स्लाइसेस आर देयर? 8 स्लाइसेस। सो इफ यू गेट 1 out of 8, हर बच्चे को एक स्लाइस मिल रहा है बेटा। हाउ वी कैन राइट दिस एज 1 स्लाइस आउट ऑफ 8 स्लाइसेस, राइट? इज दिस क्लियर? सो नाउ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 out of 8,
राइट? इज दिस क्लियर? एक फुल पिज्जा था, उसका हमने एक स्लाइस लिया, मतलब वन पार्ट लिया, आउट ऑफ इट्स एट पार्ट, वन पार्ट आउट ऑफ एट। और अनदर वे, आउट ऑफ एट, सो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन एट। नाउ इफ आई टेक, चलिए सपोज कीजिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम है पार्टी में, तो सबके हिस्से में दो दो पिज्जा आ गए, दो दो स्लाइस आ गए। हाउ वी विल राइट इट? टू आउट ऑफ एट। इज दिस क्लियर? यस और नो? इफ सपोज एवरीबॉडी इज गेटिंग टू स्लाइसेस, दिस वन एंड दिस वन, सो हाउ मेनी स्लाइसेस यू विल गेट? टू आउट ऑफ एट, एंड इट कैन बी रिटन एज टू बाय एट। इज दिस क्लियर? सिमिलरली इफ यू गॉट थ्री स्लाइसेस आउट ऑफ एट, सो इट विल बी थ्री बाय एट, फोर स्लाइसेस फोर बाय एट, एंड सो ऑन। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे पिज्जा एक ही था ना, सिंगल था पिज्जा, यस और नो? तो व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन पार्ट ऑफ ए होल, मींस वन पिज्जा जो है वो होल है, राइट और नॉट? वन कंप्लीट पिज्जा दैट इज अ होल पिज्जा, आउट ऑफ दैट वी हैव टेकन सम पार्ट ऑफ इट, सो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। इज इट क्लियर? चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में देर आर 30 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 30 स्टूडेंट्स, राइट? नाउ आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सपोज योर टीचर सेलेक्ट्स 5 स्टूडेंट्स फॉर सम एक्टिविटी, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स योर टीचर सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30, सो व्हाट विल बी, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म, 5/30। अच्छा इस केस में और स्टूडेंट्स वाले केस में क्या डिफरेंस है बच्चों, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी बच्चे क्या डिफरेंस है? हाँ जी बेटा देखिए, जब हमने पिज्जा का केस लिया तो दिस वाज पार्ट ऑफ होल, राइट? और जब हमने दूसरा केस लिया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, दैट वाज पार्ट ऑफ ए, बच्चे जो 30 स्टूडेंट्स है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यस और नो? तो उस ग्रुप से हमने एक पार्ट पिक किया, राइट? इज दिस क्लियर? और उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, व्हाट इट बिकम्स? 5/13, राइट? किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक जो हमने किया है? हैव यू डन फ्रैक्शन अर्लियर? बच्चे आप लोगों ने किया है फ्रैक्शन पहले? यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो? नहीं किया, ओके, राइट? सो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल और अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है? जरूरी नहीं है कि होल आइटम होनी चाहिए। कुछ मुझे एग्जाम्पल्स दो जरा, कुछ पार्ट के और कुछ होल के जी, कुछ ग्रुप के और होल के, कौन बताएगा बेटा? एनी एग्जाम्पल? हाँ जी यस, हाँ बेटा बताइए प्लीज प्लीज। गर्ल स्टूडेंट तो मैम के साथ में है, प्लीज बताइए बेटा। ब्लू वन, हाँ जी हाँ जी,
वेरी गुड। बिस्किट का पैकेट जो है वो ग्रुप वाला हुआ या होल वाला हुआ बेटा? हाँ जी बेटा, देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप पैकेट ले रहे हो, पैकेट तो होल हो गया पैकेट। अगर आप ग्रुप ले रहे हो तो अगर बिस्किट्स अलग अलग है, सपोज देर आर 10 बिस्किट्स, तो व्हेन यू आर टेकिंग 10 बिस्किट्स दैट इज अ ग्रुप। सो दोनों चीजें हो सकती है बेटा, यस और नो, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। अगर आपको बिस्किट का पैकेट है, कंप्लीट बिस्किट का पैकेट है, उसके हमने पार्ट कर दिए सपोज, सो दैट इज पार्ट ऑफ अ होल। अगर उसको ओपन करके बिस्किट सेपरेट करके सबको टू टू बिस्किट्स दिए, सो दैट इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप। हाँ जी स्टूडेंट, देयर वाज वन मोर स्टूडेंट, द येलो वन। यस बेटा, प्लीज गिव सम मोर एग्जांपल्स। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। क्लियर बेटा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बोलिए जरा। गर्ल्स हाँ वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट आर 30। इफ आई आस्क हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, राइट? सो वो केस हो सकता है जी। और कुछ? चलो आपके अभी भी एग्जाम होके हटे बेटा, यस और नो? यस। हाँ जी, मैथ्स में टोटल मार्क्स कितने थे बेटा? कितने नंबर का पेपर था आपका मैथ का? 80 मार्क्स का? अच्छा, 80 में से सपोज किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए, राइट? 60 आउट ऑफ 80, कैन दिस आल्सो बी रिटन एज फ्रैक्शन? जब आपको बेटा पेपर मिलता है तो आपको टीचर इसी तरह लिख के देते हैं ना नंबर, यस और नो? यहाँ पे आजकल वैसे फॉर्मेट चेंज हो गया, वो वहां पे लिखा होता है ऑब्टेंड मार्क, टोटल मार्क आर, लेकिन बेसिकली ये वाला मेथड होता है ना हमारा लिखने का। सो 60 आउट ऑफ, राइट? सो दिस इज आल्सो फ्रैक्शन, राइट और नॉट? यस बच्चों, एनी एनी अदर एग्जाम्पल यू, और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो? कौन बताएगा बच्चे कोई और एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिचुएशन? हाँ जी चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके स्कूल के अंदर लेट से देर आर 100,000 स्टूडेंट्स, टोटल ऑफ 1,000 स्टूडेंट्स, राइट? सम स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय स्कूल बस, राइट बच्चों? हाँ जी, और कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं बच्चे? ओन, राइट? पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं जी, प्राइवेट हो गया। और बाइसिकल, और वॉकिंग, कोई वॉकिंग वाले भी जिनका घर पास में ही है तो पैदल आ जाते हैं आराम से, यस और नो? एनीवन? चलिए अगर मैं लगाता हूं कि 1,000 में से 475 जो है वो बस से आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल जिनके पेरेंट्स ड्रॉप करने आ रहे हैं, लेट से दैट इज 250, राइट? बाइसिकल से आ रहे हैं, देर आर लेट से अराउंड 200 स्टूडेंट्स एंड रेस्ट आर बाय वॉकिंग, इज दिस क्लियर?
सो नाउ इफ आई हैव टू राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय बाइसिकल, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट आर कमिंग बाय बाइसिकल? यस, रेज योर हैंड बच्चों. देखिए ये टोटल हो गया बेटा, ये ग्रुप हो गया ना, देखो दिस इज टोटल, दिस मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय बाइसिकल. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कमिंग बाय बाइसिकल आर 200 एंड टोटल इज 1000. इज दिस क्लियर, यस और नो बच्चों? आई थिंक कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप लोग. कितने बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ बेटा, प्लीज रेज योर हैंड. चलिए कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, प्लीज रेज योर हैंड. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इट. हाँ जी, देखिए एक और एग्जांपल दिया था पार्टी के लिए. ठीक है, एक और आइटम दिया आज हमारे पास, दैट इज कुकीज, राइट? नाउ अब ये वाला एग्जांपल देखिए, बहुत प्यारा एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें हैं, यहाँ पे पार्ट ऑफ होल भी है और पार्ट ऑफ ग्रुप भी है. नाउ प्लीज रेज योर हैंड, आई विल आस्क ए क्वेश्चन. कौन कौन आंसर देना चाहते हैं क्वेश्चन में, बाद में बताता हूँ. एनीवन, एनी वॉलंटियर हु विल राइट टू आंसर? क्वेश्चन बाद में आएगा, कोई नहीं देगा आंसर, सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा. हाँ जी, किसने टॉप किया मैथ के एग्जाम में? मैथ के एग्जाम में टॉप किसने किया है? टीचर प्लीज मेक दैट स्टूडेंट स्टैंड हु हैज टॉप इन द क्लास इन मैथ्स एग्जाम्स. अरे आपको पता नहीं है बेटा कि किसने टॉप किया है? आपने तो पता ही होता है ना. हाँ जी बेटा, व्हाट इज योर गुड नेम? आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे. मैम बहुत ही लाइट सी वॉइस आ रही है, बट नॉट क्लियर. नहीं, नो मैम, सम इश्यू विद द. ओके एनीवे, नाउ हु विल टेल मी, इस फिगर के अंदर हमारे पास दो केसेस हैं बच्चे. ठीक है, पार्ट ऑफ द होल एज वेल एज पार्ट ऑफ द ग्रुप. हु विल टेल मी विच वन इज द पार्ट ऑफ द होल? विच वन इज द पार्ट ऑफ द होल? फर्स्ट वाले के लिए, टॉप वाले के लिए लोगों को लगता है, प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा, जिन लोगों को लगता है पार्ट ऑफ द होल इज नीचे वाला, वो लोग हैंड रेज कीजिए. अरे इतनी ब्लर आपकी इमेज आ रही है ना, मुझे लग रहा है वो अपना मैक्सिकन वेव बन रही है. दो हाँ अब आवाज आ रही है, वेरी गुड. हाँ जी बेटा, तो ये वाला पार्ट ऑफ होल है या पार्ट ऑफ ग्रुप है? दिस इज पार्ट ऑफ द होल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमने एक बिस्किट लिया है, एक बिस्किट, वन बिस्किट इज होल, इसके हमने पार्ट किए हैं. नीचे वाले फिगर में ग्रुप है, देर इज अ ग्रुप ऑफ 10 बिस्किट्स एंड वी हैव टेकन 3 पार्ट आउट ऑफ 5, 3 पार्ट आउट ऑफ 5. उसके लिए हमने क्या किया, देखिए अगर आप यहाँ पे बिस्किट्स काउंट करें सो टोटल ऑफ 10 बिस्किट्स आर देयर, राइट? सो आउट ऑफ दिस 10 वी हैव टेकन 6 बिस्किट्स. सो वेन यू टेक 6 अपॉन 10, राइट, 6 अपॉन 10, और इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, देर इज अ टर्म कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन. व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन लाइक यू कैन सी, वी कैन राइट 6 अपॉन 10, राइट?
अब 6 और 10 दोनों का कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर। जिस भी कॉमन फैक्टर से ये दोनों कट हो जाते हैं, ये 2 से कट हो रहे हैं बेटा, सो दिस कम्स आउट टू बी 3/5। दिस इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं आ रहा? इफ यस देन रेज योर हैंड, इफ नो देन नो नीड टू रेज योर हैंड। नहीं समझ आ रहा? नो प्रॉब्लम, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। हमने ना लास्ट केस में एग्जाम्पल लिया था बच्चों, 200 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1000 आर कमिंग बाय बाइसिकल, राइट? दिस इज अ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है हमें। वेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म, हाउ टू डू दिस? देखिए बच्चे, ये 200 है और ये 1000 है, दोनों ही जो है वो 100 से डिवाइड हो रहे हैं। बोथ आर डिवाइडिंग बाय 100 और नॉट? यस और नो? फॉर यस रेज योर हैंड। नहीं, क्लियर नहीं है। देखिए बच्चे, लास्ट में दोनों के दो दो जीरोस आ रही है, तो दिस मीन्स बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 100, तो ये हम दो दो जीरोस कैंसिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी गॉट, व्हाट वी गॉट, 2/10। नाउ 2 और 10 बोथ कैन बी कट बाय 2। बच्चे 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको जब कट करेंगे क्या बचेगा? सो दिस 1/5 इज नोन एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? कितने लोगों को नहीं समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज बेटा बी ओपन। जो चीज नहीं समझ आ रही है जस्ट से यस, नहीं आ रही है कोई इश्यू नहीं। अच्छा, कितने लोगों को समझ आ गया? अब ये काम खराब है, आप समझ में भी, हाँ काफी लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं आया, ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया। चलिए हम और एग्जाम्पल लेंगे इसके, सो देन यू विल लर्न इट, यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट? नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल, राइट? इट शोज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ समथिंग यू हैव आउट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। Have you understood? Fraction represent a part of the whole, और यहां पे एक और लिख लो, और a group, a part of the whole और a group, right बच्चों? यहां पे ठीक है जी, यू कैन नोट डाउन दिस। सिमिलरली वी हैव टेकन दैट एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव ए पिज्जा कट इंटू 8 slices। इफ यू ईट 3 slices, यू हैव ईटन 3/8 ऑफ द पिज्जा, राइट? द नंबर ऑफ द टॉप इज द न्यूमरेटर। दिस इज शोन हाउ वी रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। जितने पार्ट बेटा हम लोग, हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन? यस बच्चे, कुछ क्वेश्चन पूछना था आपने, आवाज आई आपकी। हाँ जी बेटा, सो 3 पार्ट आउट ऑफ 8 मीन्स वी हैव रिटन इट 3 पार्ट आउट ऑफ 8। द पार्ट ऑफ द पिज्जा विच वी हैव ईटन वी हैव टेकन एज अ न्यूमरेटर, एंड द टोटल पार्ट्स वी हैव टेकन एज डिनोमिनेटर, राइट बच्चों? यस और नो? डेफिनेशन इज क्लियर? प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन। चले आगे बेटा, इफ यस देन रेज योर हैंड। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग, प्लीज।
मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चों हो गया ये? प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों ने कर लिया। ऑलमोस्ट ऑल। नेक्स्ट देखिए बेटा, नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा? बड़े ध्यान से समझनी है ये चीज आपको। जैसे बेटा अगर यहां पे आप देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और वन पार्ट को शेड किया हुआ है बेटा, राइट? सो इट विल बिकम 1/2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू फोर पार्ट्स, और डिवाइड देखिए उतना ही पार्ट है, हाफ पार्ट। तो बट हेयर टू पार्ट्स आर डिवाइडेड, टू पार्ट्स बाय फोर टोटल। सिमिलरली इन द नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दिस इज अगेन ए पिज्जा। यहाँ पे पिज्जा को हमने सिर्फ दो स्लाइस में कट किया, दो लोग थे, राइट? यहाँ पे चार स्लाइसेस में कट कर दिया, यहाँ पे सिक्स में, और यहाँ पे हमने एट पार्ट्स में, राइट? यहाँ पे पर्सन ने ओनली वन पार्ट कंज्यूम किया आउट ऑफ टू। हेयर ही हैज कंज्यूम टू पार्ट आउट ऑफ फोर, नेक्स्ट थ्री पार्ट आउट ऑफ सिक्स, एंड नेक्स्ट फोर पार्ट आउट ऑफ एट। हर केस में इफ यू कैन सी द पार्ट कंज्यूम्ड इज सेम, यस और नो? तो बच्चे यहां पे दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अब जैसे यहां पे 2/4 है, वी कैन कट बोथ ऑफ देम बाय टू। टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट बच्चों? सिमिलरली हेयर थ्री इज द कॉमन फैक्टर एंड हेयर ऑल्सो फोर इज द कॉमन फैक्टर। सो इन ऑल द केसेस आर आंसर इज सेम, यस और नो बच्चों? इज इट क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सपोज आपको क्वेश्चन आएगा इज सेवन बाय एट इक्वल टू 56/64। चेकआउट बच्चों, इज 7/8 इक्वल टू 56/64? प्लीज चेक दिस। हाँ जी बच्चों, यस और नो? देखिए बेटा, 56 और 64, राइट? दोनों एट के टेबल में आ रहे हैं, यस और नो? एट का टेबल अगर हम करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 8 8 जा
बोथ आर कैंसल्ड आउट बाय ए, यस और नो? तो दिस मीन्स दिस इज 7/8 इज इक्वल टू, सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यस और नो बच्चों? सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 2/3, इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो सेम नंबर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बना बेटा? सपोज इसको मैंने 5/5 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस ऑल आर, दिस वन दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, सो द आंसर इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है? यस और नो? फॉर यस रेज योर हैंड्स। क्लियर है सबको? वेरी गुड, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस। हाँ जी, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, रीड दिस। देर आर 10 फिंगर्स इन योर बोथ हैंड्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फिंगर्स आर इन द हैंडल ऑफ द कार? फर्स्ट वाला केस देखिए बेटा, फर्स्ट वाले केस में कितने हैं बेटा? हाँ जी, कप के हैंडल में कितनी फिंगर्स हैं? हाउ मेनी फिंगर्स? 1, 2, 3, 4, 5, यस और नो? अच्छा, सबसे पहले वाला केस देखते हैं, ये वाले केस में कितने हैं बेटा? बेटा 2 है ना यहाँ पे, तो कैन यू सी इट और नॉट? हमने कप ऐसे पकड़ा हुआ है, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब आर होल्डिंग दिस कप, यस और नो? नहीं समझ आया, मैं कप लेके आता हूं, दिखाता हूं आप। मैं आपको बच्चों कप पकड़ के दिखाता हूं, देखिए कैसे है। आई हैव कॉल्ड ए कप, 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? अब सेकंड वाले में क्या है कि हमने पूरा जो कप है, ऑल द फिंगर्स एंड द थंब आर होल्डिंग, अब दूसरे में क्या है, हमने दोनों हाथ लिए, क्योंकि जो कप है उसके दोनों तरफ हैंडल है, राइट? कप कप का फर्क आ गया ना, कप के साइज का और कप की शेप का। हाँ जी, सेकंड वाले में कितनी फिंगर्स आए देयर? ये देखिए बच्चे, कैन यू सी दिस कप नाउ? हाउ मेनी फिंगर्स? जस्ट 2, यहां पे देखिए जस्ट 2 फिंगर्स आर देयर, राइट? नेक्स्ट केस में ऑल दीज फिंगर्स आर देयर, कैन यू सी इट? थर्ड केस में दोनों तरफ से हो जाएगा, इट्स होल्डिंग लाइक दिस। क्लियर और नॉट? सो हाउ मेनी फिंगर्स इन द फर्स्ट केस, हाउ मेनी फिंगर्स हेयर बेटा? 2 और 3? देखिए बेटा, अगर ये आप ये दोनों देख रहे हैं 2 ओनली, तो 2 आउट ऑफ हेयर हाउ मेनी? एंड हेयर? एन आउट ऑफ? इज दिस क्लियर? कोई डाउट बच्चों इसमें? हाँ जी, नाउ वी कम टू द होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखिए जरा, दिस अभी
सर्कल, अगेन हम पिज्जा का केस लेते हैं, कंप्लीट पिज्जा इट इज वन हेयर, पिज्जा को हमने दो पार्ट में कर दिया और जो शेडेड पार्ट है दैट इज 1/2, दिस इज फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेयर वी हैव 1/4 एंड दिस इज 3 पार्ट आउट ऑफ 4, 3/4। बच्चे देखिए, जब हम अपनी रियल लाइफ में कॉमन सेंस में जब बात करते हैं ना, हमारे ना कुछ लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं आधा, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ, आधा मतलब अगर उसको आप मैथमेटिकली देखोगे तो क्या मतलब होता है हाफ का। मैंने सपोज एक सर्कल है, मैं जॉगिंग कर रहा हूं, मैंने हाफ राउंड लगाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीन्स मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने ये वाला जॉब किया, यहां तक आया बस, तो ये हाफ राउंड हो गए ना बेटा। हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन आई से हाफ तो दिस इज 1/2, राइट, यस और नो, यस और नो। व्हेन वी से क्वार्टर, हम बोलते हैं क्वार्टर, टाइम यूज करते हो ना टाइम में, या टाइम जब बोलते हो ना, क्वार्टर पास्ट थ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन यू से क्वार्टर पास्ट थ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज दिस टाइम, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस टाइम, ये कितना टाइम होता है बेटा, कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, उसके लिए हम पिज्जा भिजवाएंगे, एक जो बच्चा आंसर देगा इसका, यस, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। बच्चे देखिए, व्हेन आई से क्वार्टर, थ्री का मतलब तो आपको समझ आ गया, थ्री, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्या होता है क्वार्टर का मतलब बेटा, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, फॉर यस रेज योर हैंड। नहीं समझ आ रहा है बेटा, जब हम बोलते हैं ना क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 4। जब हम टाइम की बात करते हैं ना, क्वार्टर पास्ट थ्री, टाइम में जब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ एन आवर, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 60, 60 का 1/4 पार्ट कितना होगा, अगर हम 60 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, बेटा घड़ी ऐसी होती है आपकी, यहां से यहां तक जब पहुंचेगी तो 1/4 पार्ट हो गया, यहां पे 12 मार्क होता है, यहां पे तो कितने मिनट्स हो गए बेटा, ये हाउ मेनी मिनट्स, 15, 15 मिनट्स। सो पास का मतलब क्या हो गया, आफ्टर थ्री, 15 मिनट्स आफ्टर थ्री, मीन्स तो टाइम विल बी 3:15। अब वो एएम और पीएम है वो अलग बात है, राइट, सो द मीनिंग ऑफ दिस इज 3:15। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं अगर अब बोलता हूं क्वार्टर बिफोर टू, नाउ आई एम सेइंग क्वार्टर बिफोर टू, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जब आप पास बोल रहे हो तो थ्री में ऐड करने हैं आपने 15 मिनट्स, जब आप बिफोर बोल रहे हो तो आपने 15 मिनट सब्ट्रैक्ट करने हैं, सो नाउ व्हाट विल बी द टाइम, टाइम बताइए बच्चों आप कितना, हाँ जी 1:45, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो,
लास्ट वन इज 3/4। नाउ व्हाट इज द मीनिंग बाय 3/4? 3 out of 4, राइट, मीन्स 3 part out of 4। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? देखिए, जब हम किसी कंटेनर को सपोज फिल कर रहे हैं एंड वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू फिल इट 3/4 part ऑफ इट, कि ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा नीचे रखना है, और कितना रखना है? 3/4 part। समझ में आ रहा है? सो 3/4 part इज रिटन एज 3/4। इज दिस क्लियर? कोई डाउट बच्चों इसमें? हाँ जी बच्चों। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट द फ्रैक्शंस। सबसे पहली चीज आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। जब भी आपका न्यूमरेटर लेसर हो, सपोज 1/2, 3/5, 7/9, दीज ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेसर होना चाहिए। व्हेन यू से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, योर न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सपोज 3/2, 7/5, 11/3, दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट बच्चों? दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेन वी से मिक्स फ्रैक्शन, वेन वी से मिक्स फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? इट इज अ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक 2 1/2। वेन आई एम राइटिंग 2 1/2, सो दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। दिस पार्ट इज होल, दिस इज होल नंबर, एंड दिस पार्ट इज फ्रैक्शन। सो दिस इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर बच्चों? कोई डाउट इसमें? तो ये टर्म्स नोट कर लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन दिस टर्म्स। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। हो गया बच्चों? हाँ जी बच्चे, एवरीबडी नोटेड डाउन। एवरीवन हो गया नोट डाउन बच्चों? यस और नो? फॉर यस रेज योर हैंड्स। कर रहे हैं? कर लो फटाफट, कुछ बच्चे रह गए हैं बेटा। फिनिश इट फास्ट। चलिए, हो गया ऑलमोस्ट। तो बच्चों, आज हमने इंट्रोडक्शन की है फ्रैक्शंस के बारे में, राइट? सो आई होप आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। सबको क्लियर है बेटा जो पढ़ाया आज? यस और नो?
चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल द टीचर्स।